आसिया बाजी, ये इसको देखा आपने? पूरे घर में देख लिया, नहीं है वो? तुम परेशान मत हो, ताहिर उसे जुम्मे की नमाज के लिए लेकर गया है, वापस आकर तुम्हें ले जाएगा तस्वीर बनवाने के लिए। जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, तुम देखती अपने बेटे को? ताहिर उसे वजू सिखा रहा था, उसने वजू में खुद को भिगो दिया और साथ साथ ताहिर को भी भिगो दिया। तीन दफा, इस तरह तीन दफा पानी नाक में डाल के निकालोगे। चलो अब तुम्हारी बारी। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे। चलो अब तुम पाइप को पकड़ो इस तरह से। मैंने कपड़े बदलने के लिए कहा पर जुमे के लिए देर हो रही थी। अब तुम्हें क्या हुआ लड़की? कुछ नहीं, वो दरअसल ये सब हमारी जिंदगी में पहली बार हो रहा है। हाय मेरी नफीस। قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر سمع الله لمن حمدا الله اكبر अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इदरीस, हाँ। बात सुनो जरा। जुमा मुबारक हो भाई। शुक्रिया। हमारा मामला हल हुआ क्या? हाँ, सारा काम हो चुका है। पासपोर्ट के लिए सिर्फ तस्वीरें चाहिए। वो सब ताहिर देख लेगा। कितने पैसे देने उसे? शायद 20,000 तक लगेंगे। जुम्मा मुबारक हो बेटा। शुक्रिया जमील भाई आपका। भाई? कैसा भाई? अब तो तुम बाबा कहो, जमील बाबा, समझ गए? ओ उस्मान दादा। दादा मैंने भी नमाज पढ़ी है। अल्लाह कबूल करे मेरे बच्चे की नमाज। मुझे ये तस्बीह दे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वाह भाई, तुमने तो पहली बारी में ही कमाल कर दिया। तो क्या तुमने अपनी तरह समझा हुआ था? माशाल्लाह बहुत ज़हीन है ये बच्चा, पढ़ाई में बहुत आगे जाएगा। अगले हफ्ते और अच्छी पढ़ूंगा, आप लोग देखना।
क्या हमें इस बच्चे को सच बता देना चाहिए? जुम्मे भी जुम्मा मुबारक। चलो बच्चों, आओ मेरे शेर, हम चलते हैं। ठीक है। मैं ले आऊंगा। जाओ, मैं ले लूंगा। तुम बैठो। चलो बैठो। बात है वैसे। क्या अजीब बात है? तुमने बताया नहीं अपनी बेटी का रिश्ता ताहिर के साथ तय कर दिया, लेकिन मैंने और मेरी बेगम ने तो कुछ और देखा है। वो इस्तांबुल वाली लड़की के साथ घूमता फिरता है और उसके बेटे को आज जुम्मे की नमाज पढ़ाने के लिए भी लेकर आया था। एक मिनट, क्या कहा, दोबारा कहना। अपनी आंखों से खुद ताहिर को उस लड़की के साथ देखा है। यार तुम तो बुजुर्ग आदमी हो रासिम, वुजू की हालत में क्या गीबत जचती है तुम पे? हाँ, गीबत नहीं है, जो देखा है वही बता रहा हूँ। पर जो हुआ तुम उसी की बातें पीठ पीछे कर रहे हो, और जो ना हुआ वो कहते तो अल्लाह की बारगाह में गीबत ही तो कहलाती वो, जो कि इंसानी हुकूक के खिलाफ जुर्म है। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज। चले मौलवी साहब, अल्लाह हाफिज़।